तरीके से सुनाया गया है वहां पर, एक तरह से कहा जा सकता है खूब सुनाया, खाना नहीं खाया, और वहीं पाकिस्तान की धरती पर करारे हमले एक तरीके से भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किए हैं, और इसी से शायद पाकिस्तान डरा कि वहां पर प्रसार नहीं हो पाया, वहां पर मीडिया को बैन कर दिया गया। क्या क्या हुआ सिलसिलेवार ग्राफिकली बताते हैं हमने दर्शकों को। सार्क समिट में राजनाथ पहुंचे हुए थे, और हुआ क्या क्या वहां पर, पाकिस्तान के गृह मंत्री से उनका आमना सामना हुआ, लेकिन बहुत जो गर्मजोशी होनी चाहिए वो कहा जा रहा है कि वैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिली। राजनाथ सिंह और चौधरी निसार अली खान मिले जरूर, औपचारिक तौर पर जो हाथ मिलाने की प्रक्रिया है वो हुई, बमुश्किल मिलाया है हाथ भी एक दूसरे से, क्योंकि ये तमाम औपचारिकताएं हैं वो निभानी होती हैं। भारतीय मीडिया को फोटो खींचने की वहां पर मनाही थी। आप देखिए किस तरीके से सार्क सम्मेलन था, तमाम देश वहां पर सार्क के जो है वो मौजूद थे, लेकिन फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, खान से मुलाकात के फोटो खींचने का मौका वहां पर मीडिया को, खासतौर से भारतीय मीडिया को नहीं दिया गया। पाक अधिकारियों से दूर रखे गए भारतीय पत्रकार भी वहां पर, इस तरह बातचीत भी अधिकारी जो पत्रकार थे उनसे नहीं कर पा रहे थे भारतीय अधिकारियों की। पाक अधिकारी से बहस भी हुई है, इस तरह की भी जानकारी आ रही है कि वरिष्ठ अधिकारी थे जिनकी आपस में तनातनी बहस हुई है मसले को लेकर। सार्क समिट में लंच में राजनाथ शामिल नहीं हुए हैं, और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री भी लंच में शामिल नहीं हुए हैं, और राजनाथ के भाषण का मीडिया कवरेज नहीं होने दिया। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि जो कुछ कहा जा रहा था क्या वो इतना नागवार गुजर रहा था, या क्योंकि चोट असल मुद्दे पर की जा रही थी वो एक बड़ी वजह है कि वहां पर मीडिया का प्रसारण नहीं हुआ। पाक और विदेशी मीडिया यानी पाकिस्तान का जो स्थानीय मीडिया है उसको भी नहीं, भारतीय मीडिया को भी नहीं, और अफगानिस्तान जैसे जो और देश शामिल थे उनको भी प्रसारण की अनुमति वहां पर नहीं दी गई। और खबर